उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। 30 साल से शिमला में चल रहे सेंटर ने इस वर्ष भी 18 मशीनें वितरित की। हर वर्ष ये डिप्लोमा कर रही लड़कियों को जो जरूरतमंद हो उनको सिलाई मशीनें दी जाती हैं। हर वर्ष 10 मशीनें दी जाती थी, इस वर्ष 18 मशीनें दी गई। नेशनल काउंसिल फॉर विमेन की प्रेसिडेंट मधुसूद का कहना है, हर महीने हमारी संस्था जरूरतमंदों को पैसे भी देती है। 1932 में राजकुमारी अमृत कौर ने शुरुआत की थी। मैं नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन की प्रेसिडेंट हूँ और 30 साल से हम सेंटर ये चला रहे हैं। जो पहले हमारी प्रेसिडेंट थी आंटी सुशील बालजी, उनकी डेथ हो गई है और वो आंटी ही हमारा सब ये हर साल डिप्लोमा कोर्सेज की लड़कियों को 10 मशीनें देती हैं और पैसे भी देते हैं हर महीने। जो गरीब लड़कियां हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं मशीन लेने के लिए, कुछ लेने के लिए, उनके पैसे भी देते हैं फीस के लिए। और ये 1932 से हमारा सेंटर चला रहा है। राजकुमारी अमृत कौर ने इनॉग्रेशन करी थी। आज कितनी 18 मशीनें दी हैं और उनका बेटा है सुशील बालजी का, चंद्र बालजी, जो बेंगलोर में रहते हैं, पर वो इतने जेनरसली हमें डोनेशन देते हैं और मशीनें देते हैं, हर साल देते हैं मशीनें।